नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, यदि आप भी अपनी कुल देवी को जागृत करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे मंत्र कि कैसे अपने घर की कुल देवी को प्रसन्न करना है, आपको क्या है वो साधना। लेकिन उससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका आज हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आपकी कुल देवी आपकी कुल की रक्षा करती है। कोई भी बाधा अगर आ रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर आपके ग्रह में दोष है, अशांत है ग्रह, तो कुल देवी हमेशा आपके हक में रहती हैं और यदि आप उनकी साधना करते हैं तो वो आपको इच्छित फल भी देती है और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पे बनाए रहती है। तो यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि कुछ लोगों को पता होता है कि उनकी कुलदेवी कौन है और कुछ लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन ऐसे में आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मंत्र और ये जो साधना हम आपको बताने वाले हैं, इसमें अगर आपको जिन्हें नहीं पता है कि उनकी कुलदेवी कौन है और जिन्हें पता है, वो दोनों ही इस विधि को करके अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये एक फलदायी साधना है। चाहे धन की कमी हो घर में, कलेश हो, बीमारी हो, पितरों की नाराजगी, देवी देवताओं से रिलेटेड कोई अड़चन आ रही है, तो उससे रिलेटेड सारी जो परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि कभी भी अगर आधी अधूरी आप जानकारी लेंगे और फिर उस विधि को करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना यदि आपको है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सामग्री क्या क्या लगेगी अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए? तो सामग्री है, 3 पानी वाले नारियल आपको चाहिए और 1 लाल कपड़ा, 9 सुपारी ले लीजिए, 7 श्रृंगार की वस्तुएं आपको लेनी है, वहीं आपको लेने हैं पान के 9 पत्ते, 3 घी के दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली और 3 तरह की अलग अलग मिठाइयां आप ले लें। अब जानते हैं कि कैसे ये विधि आपको पूरी करनी है। दोस्तों, आपको एक पटरा लेना है जिस पे कि आप लाल कपड़ा बिछा दें और उसके बाद आपको सबसे पहले पानी वाले जो ये नारियल हैं तीनों, इनकी थोड़ी जटाएं निकाल लेनी है और कुछ जटाएं उसी में रहने देनी है। अब आपको जो लाल कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर आप नारियल को स्थापित करके रख दें। फिर आपको क्या करना है, एक नारियल को पूरा सिंदूर से आपको भर देना है और दूसरे को पूरी हल्दी लगानी है और तीसरे नारियल को कुमकुम से आपको पूरी तरह से भर देना है। फिर आपको करना है कि हर नारियल के सामने 3 पत्ते रखने हैं आपको, जो 9 पत्ते आपको बताए गए हैं, तो 3 एक नारियल के सामने, 3 एक नारियल के सामने और 3 एक नारियल के सामने आपको पत्ते रखने हैं। प्रत्येक पत्ते के ऊपर आपको 1-1 रुपए का सिक्का रखना है और उन सिक्कों के ऊपर आपको सुपारी रख लेनी है, 1-1 सुपारी हर सिक्के के ऊपर आपको रखनी है। अब आप ध्यान कीजिए अपने गुरु जी का, जो भी आपके घर के इष्ट हैं उनका ध्यान करते हुए पूजा करें और 1 माला का जाप करें। उसके बाद आप गणपति जी की पूजा कीजिए, वहाँ पे भी आपको 1 माला का जाप करना है और अपनी सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो आपने वो नारियल स्थापित किए हैं उसमें आपको चावल, हल्दी, सिंदूर, जल, पुष्प व दीपक प्रज्वलित करना है, तो उसके लिए पहले आप घी के जो दीपक हैं वो जला लें, दीपक अलग अलग जला लें आप, उसमें घी के दीपक होने चाहिए। उसके बाद आपको धूप जलानी है और उसके बाद आपको एक कलश में पानी ले लीजिए, उसमें पुष्प डाल लीजिए और ये जो आपने नारियल स्थापित किए हैं इनके ऊपर छिड़काव करना है आपको पानी का और जल के छींटे मारने हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, फिर चावल ले लेने हैं और कुछ चावलों को सिंदूर में, कुछ चावलों को हल्दी में और कुछ को आपको कुमकुम में रंग लेना है और ऐसे ही जो जो जिस जिस रंग का नारियल है उसके हिसाब से चावल आपको उनके ऊपर चढ़ाने हैं, यानी कि 3 रंग से रंगे हुए जो ये चावल है आपको नारियल के अकॉर्डिंग जो जिस रंग का रंगा है उसके ऊपर चढ़ाना है और 3 दीपक आपको जलाना है। ये दीपक अखंड रहें 3 दिन तक तो बहुत अच्छी बात है, 3 दिन तक आपको ये साधना करनी है। और जो भी आपने मिठाई वहाँ पे रखी है प्रसाद के रूप में, जब आपकी विधि पूरी होती है तो अपने परिवार को बांट दें और जब प्रसाद के रूप में उन्हें बांट देते हैं तो उसके बाद आपको अपनी कुल देवी का नाम लेना है, जिनको पता है
बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता है वो भी अपनी कुलदेवी की प्रार्थना करें, उनसे कहें कि वो आपको आशीर्वाद दें और आपकी साधना को स्वीकार करें और उनके ऊपर उनका श्रृंगार चढ़ाना है। जो भी भोग या श्रृंगार आपके पास है वो श्रृंगार उन पे चढ़ाना है। अब आपको क्या करना है, लाल मूंगे की माला लेनी है और 3 दिन तक लगातार 11 माला का जाप रोज करना है लाल मूंगे की माला से। और ये जो आपको करना है 3 दिन, ये अमावस्या के बाद करना है जब शुक्ल पक्ष लगता है, यानी कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी व चतुर्दशी को आपको ये करना है 3 दिन, अमावस्या के बाद ही ये करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। और इसके बाद 3 दिन गुजर जाने के बाद सुबह आपको उठकर ये सारी सामग्री जल में प्रवाहित कर देनी है और अपने परिवार के कल्याण की कामना करनी है, माता से हाथ जोड़ के माता को प्रसन्न करना है और इस मंत्र का जाप करना है साथ ही में। तो मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, ओम ह्रीं श्रीं क्लेश्वरी प्रसीद प्रसीदे नमः। तो ये जाप आपको माता का 3 दिन तक करना है लगातार, और सारा सामान आप रोज रखें माता के पूजन में, तब तक आपको नारियल नहीं हटाना है बिल्कुल भी, नारियल को बिल्कुल भी ना छुएं, उस पर चावल चढ़ाते रहें नए बना के आप रंग में रंग के, और अखंड दीपक जलाएं। जितनी भी बाधाएं हैं दोस्तों आपके परिवार में, कलेश हैं, सब शांत होगी, बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग में जो भी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, सब दूर होंगी, पारिवारिक कलेश दूर होगा, पितृ से रिलेटेड अड़चनें आती हैं वो दूर होगी, ग्रह नक्षत्र आपके शांत होंगे और कुल देवी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलेगा और एक अदृश्य शक्ति कुल देवी की हमेशा आपकी सहायता करेगी। तो दोस्तों कुल देवी को प्रसन्न कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, सब पे उनका आशीर्वाद बना रहे ऐसी मनोकामना कीजिए और वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ।